बेंगलुरु जो कभी गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता था आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। गर्मी के आने से पहले ही शहर में जल संकट गहरा गया है। ये न केवल बेंगलुरु बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। यहाँ के कुछ इलाकों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि यहाँ के कोचिंग सेंटर और स्कूल अपने बच्चों से घर पर ही रहकर क्लास लेने के लिए बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने शटडाउन का ऐलान किया था। हालांकि ये कदम आवश्यक रखरखाव कार्य करने और अनअकाउंटेड फॉर वाटर स्थापित करने के लिए उठाया गया। कर्नाटक की राजधानी में सड़कों पर पानी के टैंकर दिखाई देना अब आम बात सी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सामान्य दिनों में पानी के टैंकर की कीमत 700 से 800 रुपए होती है, जबकि अधिक मांग होने पर ये टैंकर 1500 से 1800 रुपए के मिलते हैं।